हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम 4-5 मार्क्स के आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफरेंस लिखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। 5 या 4 मार्क्स दोनों में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। तो मीनिंग लिख सकते हैं, पहला आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के मकसद से की जाती है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सोशल बिलीफ या मेंटल पीसनेस के लिए की जाती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है टू सर्व द सोसाइटी। नीड सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी की नीड सेटिस्फेक्शन है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, और नॉन इकोनॉमिक की है साइकोलॉजिकल नीड मेंटल पीस। टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, तो आप इकोनॉमिक में मैन्युफैक्चरर, टीचर, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, वर्कर लिख सकते हैं। वहीं नॉन इकोनॉमिक में चैरिटेबल वर्क, सोशल वर्क, वेलफेयर फॉर पुअर आप इसके एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। लॉजिक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो दीज आर गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, की पैसा लगाए तो पैसा वापसी में आना भी चाहिए। वही जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस पे क्या होते हैं, उस पे बेस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या करेक्टरिस्टिक है, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, फोर्थ प्रॉफिट अर्निंग, ये उसकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आप इन सबको 1-1 लाइनर में डिफाइन भी कर सकते हैं टू मेक योर आंसर अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट 4 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। 4 करेक्टरिस्टिक लिखनी है आपको प्रोफेशन की। तो पहली है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, दूसरी है कि ये किसी इंस्टीट्यूशन से इसके पास डिग्री होनी चाहिए, तीसरी है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसमें उनको कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है उनके पर्टिकुलर प्रोफेशन का वो सिखाते हैं, बिल्ड अप द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज प्रोफेशन जो हेल्प करते हैं एक प्रोफेशनल्स को, किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे आप एंट्री कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो भी हमारे जितने भी हमारे प्रोफेशन है ना, डॉक्टर, टीचर, नर्स, पायलट, ये सब एक कोड ऑफ कंडक्ट पे चलते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स पे चलते हैं कि अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे क्या कहता है कि आपको अपनी सर्विस को पहले रखना है, अपने पैसे को पहले नहीं रखना है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो यू हैव टू ट्रीट हिम हर। ओके, नेक्स्ट जो है, दैट इज प्रोफेशनल्स मेनली फोकस ऑन द वेल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो प्रोफेशनल्स है उनका मेन फोकस जो होता है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो सबके पास नहीं होती है। तो ये जो 4 थी, मैंने 5 लिखी, आप 4 भी लिख सकते हो, ये सब क्या है, हमारी करेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोफेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। 4 डिफरेंस लिखने हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो पहला डिफरेंस है मीनिंग। मीनिंग में क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स में बिलीव करती है। प्रोफेशन जो होता है, एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है जो दूसरों के स्किल, अपनी स्किल्स में हेल्प करती है आपको पैसा कमाने में। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, बिजनेस का नेचर होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक, गुड्स पे काम करना और सर्विस प्रोवाइड करना। वही प्रोफेशन का होता है अपनी पर्सनलाइज और एक्सपोर्ट सर्विस को यूज करके दुनिया को नॉलेज देना। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड भी रिक्वायर्ड होती है, जो भी उसकी एक प्रोफेशनल बॉडी होती है उससे उसने डिफाइन की होती है। रिटर्न और रिवॉर्ड में क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट होता है और इनका प्रोफेशनल फीस होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर में कराए गए चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4-5 में भी आ सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको लिख सकते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे 4-5 मार्क्स के ही, यूनिट 1 के। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।